सो डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पर आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एसोसिएटेड है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अपने आप में बूस्टअप होने वाला है और अगर आप इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच को चूज़ करना चाहते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या रोल है और क्यों आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेफरेंस लेता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांच है जो कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ऊपर काम करता है और जो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज लॉन्च करता है इंडिया में, जिससे कि कॉरपोरेट सेक्टर्स, कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल सेक्टर जितनी भी हैं, इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जो इसके थ्रू ही रन करती हैं, इन नॉर्म्स के ऊपर रन करती हैं और इन इस प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के पास में स्कोप क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के दो सेगमेंटेशन क्रिएट हो जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि गवर्नमेंट का वेंचर होती हैं और दूसरा होती हैं आपके इंडस्ट्रियल सेटअप जो कि इंडस्ट्रीज हैं। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज, इन दोनों के ऊपर बेसिकली नंबर ऑफ द ऑप्शंस आ गए हैं। मेंटेनेंस में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं। जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उनका मेंटेनेंस इंजीनियर और जो चीज़ें बन रही हैं उनके प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड प्रोसेस आ जाता है डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट करने का मतलब अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रिक आयरन थी, उस इलेक्ट्रिक आयरन को ऑटोमेटिक आपने बना दिया तो ये उसका डेवलपमेंट हो गया। इसी के साथ अगर आप चीज़ों को स्मार्ट बना रहे हैं, जैसे आज आप देखते हैं हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर मशीन के कोई भी काम नहीं हो सकता और मशीन पे काम करने के लिए मशीन को स्मार्ट बनाना ज़रूरी है और मशीन को स्मार्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने अपने विंग्स, अपने पंख खोले हैं, किस डायरेक्शन में खोले हैं, ये मशीनों को AI बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन है, रोबोटिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स है और इन सब को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विद द हेल्प ऑफ सेंसर। सबसे ज़्यादा अगर कहीं इंडस्ट्रियल सेटअप है, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सबसे बड़ा सेटअप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का वो है सेंसर स्पेस। तो ये जो सेंसर है वो सेंसर का इंस्टॉलेशन, सेंसर्स की प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है मशीन लर्निंग, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है डीप लर्निंग, ये प्रोग्रामिंग का ओवरऑल डोमेन कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सेंसर्स जिस तरीके से आप ह्यूमन बॉडीज के अंदर होते हैं उसी तरीके से सेंसर्स मशीनों को दिए जाते हैं जिससे वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन पाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइड स्कोप क्रिएट होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ो और दूर बैठे रिमोट एक्सेस से कहीं भी उन चीज़ों को मैनेज करो। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ दूसरा बनता है चीज़ों को स्मार्ट बनाओ, अपने आप से चीज़ें सोच पाएँ, समझ पाएँ और डिसीजन ले पाएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंसेज, ये ब्रॉड सेक्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। तो अपकमिंग फ्यूचर, अगले 4 से 5 साल के बीच में प्रोडक्शन, चीज़ों को बनाना, असेंबल करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको स्मार्ट बनाना, उनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना, उनको इंटरनेट से जोड़ना और उनके साथ साथ उन सब चीज़ों के डेटा एनालिटिक्स पे काम करना, ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। होप सो आगे की इन्फॉर्मेशन जो कि रेफरेंस लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आपको समझ में आएगी और उसके हिसाब से करियर एस्पायरेंट्स आप लोग अपना करियर का चुनाव कर पाएंगे। हेलो करियर एस्पायरेंट्स, स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है क्योंकि 12th के बाद कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है आपके पास में, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी जगह हमें जाना चाहिए, किस कोर्स को हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो की पहली सीरीज़ है और सीरीज़ के अंदर यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूँगा कि आप अपने करियर को चूज़ करते हुए वेरी स्पेसिफिक रहें, नॉलेज लें, फैक्ट्स पर बात करें और किन किन पैरामीटर्स पर आपको जानकारी लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ से जानकारी लेनी चाहिए अपने करियर के बारे में चूज़ करने से पहले, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव इस वीडियो का ये है कि अगर आप उन फैक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसको कि जॉब नहीं मिलती है या जो अपने प्रोफेशन को सही तरीके से ऑप्ट नहीं कर पाता है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए, उनको अगर ध्यान से समझेंगे तो समझने के बाद आप अपने करियर का बेहतर चुनाव कर पाएंगे और सही करियर अगर आप चूज़ करते हैं तो बेस्ट स्किल दे पाएंगे। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से यही हम बताना चाहेंगे और इस वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो जितने भी 10+2 के बाद में करियर एस्पायरेंट्स है वो एस्पायरेंट सही जगह पहुंचे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है एक किसी विशेष वर्ग के पीछे बहुत सारी भीड़ देखने को दिखाई मिलती है और वहाँ पर स्किल ना होने की वजह से एक डीमोटिवेशन फैक्टर क्रिएट होता है कि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है। जबकि आप अगर मान के चलें इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड पर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें यहाँ पर है हर किसी की बहुत वैल्यू है, पर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि कौन सी चीज़, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जिसको आपको यूज़ करना है। ये सारे फैक्ट्स को देखें या आप किन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी क्या है, इन सारे फैक्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस समय पर
कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स हैं जो एक सर्टेन काइंड ऑफ कोर्स के लिए की जा रही है। तो 10+2 के बाद दो बेसिक डायरेक्शन होती हैं, जिसमें एक मेडिकल लाइन होती है, दूसरी इंजीनियरिंग लाइन होती है। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली पहले इंजीनियरिंग लाइन के बारे में बात करूँगा। इंजीनियरिंग लाइन में भी हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज ऑप्शन हैं, जिन ब्रांचेज के अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस स्पेसिफिक हैं और हर एक ब्रांच की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू महत्वपूर्ण। इन सारे महत्व को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ग्लोबल सिनेरियोज, ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं कि जब आप इसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 4 साल बाद उस कोर्स की क्या वैल्यू होती है और क्या रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है और उस कोर्स से जुड़ी कौन कौन सी स्किल्स होती है जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो आपका इंटरेस्ट, स्किल और आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप अपने आप को 3 से 4 साल बाद कहाँ पर देखना चाहते हैं, आपके करियर पर्सपेक्टिव क्या है, आपने क्या टारगेट चुनाव किया है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो एक दोस्त के कहने से या किसी की सलाह देने की वजह से चलो यहाँ चलते हैं, कई बार आप गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं और शायद आप ये महसूस करते हैं, आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि कोई अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचा हुआ होता है और कोई एक एवरेज काम कर रहा होता है, जबकि आपके अंदर वो क्वालिटी थी, आप उससे भी बेहतर किसी और क्षेत्र में कर सकते थे, लेकिन आपने सही समय पर सही चुनाव नहीं किया। तो किन चीज़ों को जानना होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको लगता है अगर ये वीडियो वर्दी है, यहाँ पर इन फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, उन सेक्शंस को किया जाती है, तो इस वीडियो को उन एस्पायरेंट्स तक पहुँचाइए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली एक कोर्स विशेष की बात करेंगे और उस कोर्स विशेष की बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एनालिसिस की जानी चाहिए और उससे अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बिहाव पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आइए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को और समझिए अब आपके करियर के लिए क्या सही है। तो सही और बेहतर करियर चुनिए और सही जगह पर पहुंचिए। प्लीज़, क्या वो स्पेसिफिक करियर होगा हमारे लिए जिसको हम अपना के अपने लिए एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफाइलिंग के लिए? तो अल्टीमेटली द टारगेट इज़ देयर कि आपको सक्सेस चाहिए और सक्सेस के लिए ज़रूरी है स्किल का डेवलपमेंट, और स्किल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आने वाली स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जाने। तो जैसा कि हमने कहा था, इंजीनियरिंग आपके पास में ऑप्शंस थे कई सारे कि नीट में जा सकते थे, आप मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी मल्टीपल ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं। तो इसमें हम एज अ फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारी ब्रांचेस को लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का। कई बार कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि क्या स्कोप है, कहाँ है, क्या जानकारी है। तो अब हम रेफरेंस लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पर काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस पर स्पेशल फोकस है। और आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 4 से 5 साल में आज हम सभी लोग डिजिटल इंडिया से कितने अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। आज आप एक सब्जी वाले को पेमेंट करने के लिए भी आपको हार्ड कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिजिटल मनी। तो आप पेटीएम कर देते हैं उसको इजीली, आप उसको गूगल पे कर देते हैं और आपको अपनी पॉकेट में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना है, और यही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना है उस सामने जो भी आपका वेंडर है। तो ज़रा आप देखिए कि 5 से 6 साल के अंदर एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन, मतलब आपके घर के बुजुर्ग भी ये प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने कभी भी इस प्रोसेस के बारे में सोचा नहीं था कि बिना पैसे लिए सामान लेके आ सकते हैं, सिर्फ 2 मशीनें हाथ में होनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या उनकी एनालिटिक्स है। तो ये वीडियो हमने रेफरेंस के लिए बनाया जिससे आप सभी लोगों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल पाए, फैक्ट्स बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं और समझते हैं कि उन लोगों ने क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उनका एक सर्टेन सर्वे होता है, वो सर्वे के अंदर में ये बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के 3 पार्ट हैं, प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों ही पार्ट में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। तो 2020 में ये जून में ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्सपोर्ट जो है वो अब कंपैरेटिवली 10% तक पहुंच चुका है, 11% पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 25% हम प्रोडक्शन में आ चुके हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर हम बात करें US बिलियन में, तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स, जैसे मोबाइल डिवाइसेस का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब छोटे छोटे इक्विपमेंट आप यूज़ करें, पेटीएम की मशीन भी अगर आप यूज़ करें वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं जिसमें ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर सेट हो जाता है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके घर में आने वाला माइक्रोवेव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ्रिज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सर्टेन काइंड ऑफ चेंज आए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 8.5 से 11.5
टू के आसपास ही अब तक बदल चुका है। और ये पूरा का पूरा जो सर्वे किया गया है वो सर्वे लास्ट 5 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली किया गया है। तो 2014 से 2019 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ जो उन्होंने डेटा दिया है दैट इज़ वेरी फैक्चुअल डेटा, ये डेटा उन्होंने दिया है कि ये बूस्ट यहाँ पर मिला है। मोबाइल डिवाइसेस के केस में आप देखेंगे तो 2.9 यूएस बिलियन से 24.3 यूएस बिलियन तक पहुंच चुके हैं। 6 बिलियन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री में यूज होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी यूएस बिलियन डॉलर्स के कंपैरेटिवली अब 11.5 पर पहुंच गए हैं। ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर्स में भी 2.8 से 3.23 और 2.4 से 4.0। तो ये सारा का सारा जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस आप देखेंगे 20 अगर आप सब कहीं ना कहीं सबको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं और क्यूमुलेटिवली चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन कहाँ पहुँचा है तो 29 यूएस बिलियन था जो कि अब 70 के आसपास हो चुका है अगले 5 साल के अंदर। और अगले 5 साल का प्रोजेक्शन जो है वो इसका डबल है। तो दैट इज व्हाट अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि किन किन चीज़ों पर यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है। अब ये पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के जितने भी पीएसयू सेक्टर्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में काम करते हैं कि जब स्किल्ड पीपल अगर आ रहे हैं तो वो स्किल्ड पीपल कहाँ कंज्यूम होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट क्या और किस टाइप की स्किल्स उनमें रिक्वायर्ड होंगी। तो एक्सपोर्ट हो गया, सप्लाई चेन के अंदर में जरूरत पड़ेगी। हमारे सारे मोबाइल फोन्स की स्पेशली बात करें तो हमसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम हो गया मेक इन इंडिया में, अब ये भी हम इस पर काम करने लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत सारे हैं जिसमें कि मोबाइल हैंडसेट यूज़ किया है, एलसीडी एलईडी टीवीज के बारे में बात की, एलईडी प्रोडक्शंस की बात की जाए तो आप ध्यान से देखिए इन पैनल का प्रोडक्शन और साथ के साथ असेंबलिंग दोनों ही यहाँ इंडिया में अंदर हो रही है और इंडिया में ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नहीं है वो स्मार्ट बनती जा रही हैं। टीवीज आपके पहले नॉर्मल हुआ करते थे लेकिन अब वो टीवी स्मार्ट टीवी हो गए हैं। हार्डली अभी कोई टाटा स्काई और का टीवी यूज़ करता होगा, यू ऑल आर जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू आर वॉचिंग हॉट स्टार, यू आर वॉचिंग अमेजन प्राइम एंड सो मैनी। ये सारी चीज़ें जो आप जो देख रहे हैं ये सारा का सारा इंटरनेट की वजह से है। तो नाउ योर टेलीविजन इज स्मार्ट एंड योर टेलीविजन इज नॉट ओनली योर टेलीविजन, केवल टेलीविजन नहीं है वो, टेलीविजन अब आपके लिए एक रिसोर्स यूटिलिटी है, आपको हेल्प कर सकता है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोज लर्न करते हैं, तो एवरीथिंग इज देयर। टीवी एंटरटेनमेंट से हटकर अब मोर देन एंटरटेनमेंट हो चुका है और यूटिलिटी बन चुका है। तो ये प्रोडक्शन जो है, जो स्मार्टनेस ऑफ AI, ये इट इज कमिंग फॉर ऑल स्पेशली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज लाइक दैट। सो दिस इज बेसिकली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जिसमें हम स्मार्ट बना रहे हैं डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो चुका है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो जिससे आप अपनी डिवाइसेस को डिस्टेंस अपार्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ये आगे आने वाले 5 साल का फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। मतलब आपके घर में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पैनल है किसी भी तरीके का, चाहे वो माइक्रोवेव में हो, रेफ्रिजरेटर में हो, या वो आपकी कार के अंदर हो, या किसी बड़ी इंडस्ट्री में कोई भी बड़े से बड़ा इक्विपमेंट हो, ज़रूरत नहीं है उसके पैनल पर, उसकी मशीन के पास में जाके उसको कंट्रोल करने की, वो पैनल आपके सिस्टम से आपकी डिवाइस से ईजिली कंट्रोल हो जाएगा थ्रू इंटरनेट। दैट इज़ वॉट द इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बूस्ट है, ये बूस्ट इंडिकेट करता है कि अगले 5 साल में इस सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और इसी की अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग जो वर्टिकल्स हैं इसके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन खुद अपने आप से देते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो कहते हैं कि ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम सेक्टर्स, ये सारे के सारे सेक्टर्स मोर इमर्जिंग वर्टिकल्स हैं जिनको अगर हम डेवलप कर पाएंगे तभी हम इनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपने कंज्यूमर्स को दे पाएंगे और इम्पोर्ट इनका कम होगा। तो दिस इज़ वॉट द डायरेक्शन। साथ के साथ उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया एनालिसिस किया और 2014 और 2019 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया स्पेसिफिकली उन्होंने इस डायरेक्शन में काम किया और चेक किया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, नंबर ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस क्या उनकी वैल्यू थी। तो इनको 2014 से और 2019 के बीच में जब कंपेरिजन करके स्ट्रैटेजी निकाली गई तो 200 से 200 के आसपास पहुंची मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस जो है 60 से 290 हो गया, 3 बिलियन से 30 बिलियन हो गया वैल्यू ऑफ मोबाइल हैंडसेट कॉस्टिंग। तो ये एक बूस्ट था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा कि जब ये एरियाज हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और ये काम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं और इफेक्ट्स डाल रहे हैं, तो उन्होंने न्यू स्किल पीपल्स के लिए नई स्कीम्स भी जनरेट की। वो स्कीम्स क्या हैं जिसमें आप लार्ज स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई
स्कीम बनाई है, ये सारी स्कीम्स तब काम आती है जो इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट कहाँ आना है, वहाँ आना है लार्ज स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो घर की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाली कैपेबिलिटीज़ हैं। 5 साल का जो आउटकम ले रहे हैं वो प्रोडक्शन में, 8 लाख करोड़ USD यानी कि 106 बिलियन तक पहुँचाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को 77 बिलियन तक, और एम्प्लॉयमेंट को 10 लाख, दैट इज़ वॉट द बिग थिंग। 10 लाख एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहती है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर चाहेगा, जिसमें बेसिकली आपके PSU सेक्टर एंड कॉरपोरेट सेक्टर दोनों इंक्लूड हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, इन सारी स्कीम्स के अंदर में हमारे पास इनिशिएटिव लिए जाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्लियर इंडिकेशंस हैं, उन्होंने अपने पोर्टल्स भी क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पर जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स के लिए, अगर आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप को भी वो बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपके कोई स्मॉल प्रोडक्ट है और वो किसी भी यूटिलिटी का पार्ट है, किसी भी तरीके का, यदि आपने एक ऐसा ऑटोमेटिक डोर के लिए सेंसर बना दिया जो आपके घरों में, जनरली आपके घरों में सेंसर्स नहीं है जो इंडिकेट कर पाए कि कोई डोर पे आया है तो बता दे, अंदर साउंड क्रिएट कर दे, 99% लोगों के घरों में नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं कि आपके डोर पर अगर कोई अपेयर होता है तो वो उसका फोटो अंदर दिखाते, कैमरे पे दिखाते, मशीनें अवेलेबल हैं लेकिन कितने लोगों के घरों में, तो अगर आप चीप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इंसेंटिव है, टारगेट सेगमेंट है, आउटले है, एलिजिबल कैपैक्स है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये सारी स्कीम्स बना रखी हैं, और जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टल्स क्रिएट किए हुए हैं। ये पोर्टल्स एलिजिबल हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो किसी स्टार्टिंग में स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है, और साथ ही साथ ये अवेलेबल है उनके लिए भी जो इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली सारा का सारा टारगेट है इनका, जो कितने प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, कितने उनको फैसिलिटी सेंटर्स क्रिएट करने हैं, ये सारा आस्पेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। सो अल्टीमेटली द टारगेट इज हियर, यहाँ पर इसका कंक्लूसिव एनवायरनमेंट ये निकल के आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें मेक इन इंडिया सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज मेक इन इंडिया, क्योंकि अगर हम डिवाइस की बात करते हैं, किसी भी डिवाइस की अगर बात करते हैं, तो आज वो डिवाइस का हार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसलिए जितने भी आप करियर एस्पायरेंट हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो कि डायोड्स कैसे काम करते हैं, रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, एक छोटा सा पैनल किस तरीके से काम करता है, अगर आप चीज़ों को स्मार्ट बनाना चाहते हो, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, स्मार्ट बनाना चाहते हो, डेटा एनालिसिस पे आप काम करना चाहते हो, अगर इन सारे सेक्टर्स पे आप काम करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे सेक्टर्स आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के थ्रू ओपन होते हैं। तो बिग जॉब, बिग ऑप्शंस, बिग अपॉर्चुनिटी, अगले 5 साल गवर्नमेंट का इसी पे फोकस है, और यही अपॉर्चुनिटी इंडिया और अब्रॉड के लिए भी ओपन है। तो ये इस वीडियो के थ्रू सिर्फ यही टारगेट है कि अगर आप अपना इंटरेस्ट पे काम करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, गो फॉर इट एंड फाइंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ आज का डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं।